हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड और ब्रेड की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। और आप देख सकते हैं हमारी मिठाई कितनी टेस्टी और यम्मी बनके तैयार है। तो आप एक बार हमारे तरीके से मिठाई ज़रूर बनाइए, आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, यकीन मानिए। तो एक बार आप बना के चेक करिए, देखिए कितना टेस्टी होता है। और हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा किचन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ब्रेड कस्टर्ड पाउडर की मिठाई बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध। दूध को हम एक बर्तन में रखेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध में हमारे 1 उबाल आ चुका है और इसे और हम पकाएंगे। दूध हमारा जब तक पक रहा है तब तक हम ब्रेड को कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने लिया है यहाँ पे 7 से 8 ब्रेड और इसे अब कट कर लेंगे। आप ब्रेड को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, हमने इन्हें 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। इसी तरह हम सभी ब्रेड को कट कर लेंगे। दूध हमारा पक चुका है, अब यहाँ पे हम अपना कस्टर्ड बना के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी में दूध और दूध में डालेंगे 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने 1 लीटर दूध लिया है तो यहाँ पे हम 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 1/2 लीटर दूध लिए हैं तो 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करें। इससे आपका कस्टर्ड का मिश्रण बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। और हमने अच्छे से कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं 1 भी लम्प से नहीं, अब इसमें हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमें ज़्यादा एक ही साथ पूरा कस्टर्ड नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे लगातार चला लेंगे डाल के। आपको यहाँ पे हाई फ्लेम पे नहीं मिक्स करना है, लो फ्लेम पे, नहीं तो नीचे पकड़ लेगा। और इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। हमारा कस्टर्ड बहुत ही अच्छा बन के तैयार है। इसका थिकनेस देख सकते हैं, जैसे जैसे ठंडा होगा बहुत ही अच्छा थिकनेस आएगी। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमने लिया पैन में तेल, अब तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें ब्रेड को हम फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। आप देख सकते हैं ब्रेड हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह सारे ब्रेड को हम फ्राई करके निकाल लेंगे और यहाँ पे 1 प्लेट में सेट कर लेंगे। और यहाँ पे हम ऊपर से अच्छे से कवर कर देंगे कस्टर्ड से और ऊपर से काजू बादाम पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। हमारी ये कस्टर्ड ब्रेड की मिठाई आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।